अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं। थोड़े से चिकन से बहुत सारे कबाब बन जाते हैं। इन्हें आप 20 से 25 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चिकन चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लेके इसे बॉईल कर लिया है। हल्का सा नमक डाला और बॉईल कर लिया। चिकन को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए ही चलाएंगे, जिससे इसका रेशा अलग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे। देखिए, मैंने चिकन को ग्राइंड कर लिया है। इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। 2 उबले हुए आलू लेके मैंने उन्हें ग्रेट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। 1 कप ग्रेट की हुई गाजर है, 1 कप पत्ता गोभी है, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स है, 1/4 कप चावल का आटा है, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे, 2 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बटर या ऑयल। बटर या ऑयल ऐड करने से ना हमारे जो कबाब है वो सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारा मिक्सचर तैयार है। हम हाथों को थोड़ा चिकना करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा पोर्शन लेंगे। इसके हम कबाब बना लेंगे, कबाब की शेप देंगे। आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो आप उसी शेप के बना लें। देखिए, मैंने बना लिया है। मैं एक और तरीके से आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसका एक गोला बनाएंगे, चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे, इसे कबाब की शेप देंगे। देखिए, कबाब बन गया है। आपको जो भी तरीका आसान लगे ना, आप उस तरीके से बना लें। मैंने सभी कबाब को बना लिया है। मेरे 24 से 25 कबाब बने हैं। आप थोड़े छोटे कबाब बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बन जाएंगे। मैं फ्रीज़ करने का भी तरीका बता देती हूँ। आप इस प्लेट को ऐसे ही फ्रीज़र में रख दीजिएगा और जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाए तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेके उसमें कबाब को रखेंगे। ऊपर से कोई भी पॉलिथीन या बटर पेपर लगाएंगे और एक और लेयर रखेंगे, कवर करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। ये 20 से 25 दिन आराम से चल जाएंगे। मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ और बाकी के जो कबाब हैं उन्हें फ्राई करेंगे। हम 2 अंडे लेंगे, अंडों को हम फेंट लेंगे। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप कॉर्नफ्लावर लेके उसका घोल तैयार कर लें, उसमें कबाब को डिप करके फ्राई कर लें। ऐसे करने से ना कबाब ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। अगर आपको कम कबाब फ्राई करने हैं तो आप 1 अंडा भी फेंट सकते हैं। हम कबाब को अंडे में डिप करेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म है और कबाब को हम ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे सभी कबाब को फ्राई कर लेंगे। अंडे में डिप करेंगे, ऑयल में डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ा स्पेस रखेंगे, नहीं तो ये आप इसमें चिपक सकते हैं। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फ्राई करने में। देखिए, माशाल्लाह देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए, निकाल लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी चिकन चाइनीज़ कबाब तैयार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को पसंद आएंगे। हम सभी कबाब को निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप अपनी पसंद की किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे तो खुश हो जाते हैं और बच्चे इस बहाने से सब्जियां भी खा लेते हैं। बहुत हेल्दी कबाब है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को पसंद आएंगे। मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी चिकन चाइनीज़ कबाब की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।